ये नील आ रहा है, पर मैं नील से अभी नहीं मिल सकती, मैं बहुत खतरा है, क्या करूं? मुझे नील को रोकना होगा। अभी नहीं, रात को मिलो मुझे, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। अभी तुम जाओ। ये विधि भी संपन्न हुई, अब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। अरे अनुष्का, खुश रहो अनुष्का। जींदी रह पुत्र, बुढ़ सुहागण हो। पता है हमारी लक्ष्मी भी ना वो कथा वाली पतिव्रता सुहागन की तरह है बिल्कुल। इसने भी ना जाने कितनी बार ऋषि की जान बचाई है, और मैं तो कहती हूँ कि ऋषि बहुत लकी है जिसे पत्नी के रूप में लक्ष्मी मिली है। दादी, दादी, प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप ये सब कुछ जानबूझ के करती हैं ना, स्पेशली मेरे सामने, क्योंकि आप जानती हैं कि मुझे सब बिल्कुल नहीं पसंद है। अनुष्का, मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला। लेकिन क्यों बोला? यही तो मैं बोल रही हूँ कि आप क्यों बोल रहे हो? आपको मैं नहीं दिखती, एक सेकंड रुक जा। आपको मैं नहीं दिखती, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? व्रत कर रही हूँ ना, तो मेरा व्रत किसके लिए? ऋषि, नहीं आप मुझे बताइए ना, व्रत रखा है ना मैंने, किस किस के लिए रखा है? ऋषि के लिए रखा है ना, तो मैं ऋषि की कुछ हुई या नहीं हुई? उसकी बीवी हूँ ना मैं, तो आपको मैं नहीं दिखाई देती हूँ? मैं हूँ इसी घर में, हूँ जिंदा हूँ, सांस ले रही हूँ इसी घर में। क्या बस हो गया देखो रब, मुझसे जबरदस्त हो गया, बस हो गया। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, मैंने मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, ऋषि की पत्नी हूँ, तो क्यों मुझे लक्ष्मी लक्ष्मी सुनाते रहते हैं? कोई नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, यहाँ तक बढ़ चुकी हूँ मैं, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं सुनना मुझे सब कुछ, ठीक है? नहीं सुननी लक्ष्मी कैसी है या कहती है, नहीं नहीं सुनना मुझे। और सबको प्रॉब्लम है ना, ठीक है, अब मैं रहूंगी नहीं, मुझे सब नहीं सुनना है, तो जिसको भी लक्ष्मी लक्ष्मी करना है ना वो करता रहे। मलिष्का सुनो तो, वो गुस्से में, मैं उसे देखती हूँ। मलिष्का, दादी